भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मैचों में बड़ा बदलाव। अब पहले वनडे मुकाबले होंगे शुरू। बताएंगे पहले वनडे मुकाबला कब और कितने बजे शुरू होगा। साथ ही टीम इंडिया के कप्तान को भी बदल दिया गया है। जी हां दोस्तों, बताएंगे टीम इंडिया के कौन से प्लेयर को अब नया कप्तान घोषित कर दिया गया है जो वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में कप्तानी करने वाले है। साथ ही पहला मुकाबला कब और कितने बजे शुरू होने जा रहा है, सारी अपडेट बताएंगे। तो वीडियो देखते रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों भारतीय टीम वेस्टइंडीज के साथ 5 मैचों की T20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाली है। पहले अब वनडे सीरीज खेली जाएगी जिसका पहला मुकाबला जल्दी शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के लिए टीम इंडिया के नए कप्तान घोषित किया है। भारतीय टीम की ओर से वनडे सीरीज के लिए शिखर धवन को कप्तान बना दिया गया है। साथ ही टीम में कई सारे युवा प्लेयर को शामिल किया गया है ताकि सीनियर प्लेयर को रेस्ट दिया गया है, जबकि T20 सीरीज के लिए सीनियर प्लेयर ही वापसी करने वाले हैं जिसकी कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे, लेकिन वनडे सीरीज के लिए धवन को कप्तानी दी गई है। पहले वनडे मुकाबला 22 जुलाई को खेला जाएगा। यह वनडे मुकाबला शाम के 7 बजे शुरू होगा जिसकी कप्तानी शिखर धवन करने वाले हैं। साथ ही टीम इंडिया में कई सारे युवा प्लेयर शामिल किया गया है जो कि शिखर धवन के साथ खेलने वाले हैं। ऐसे में उम्मीद है कि शिखर धवन वनडे टीम की कप्तानी कर रहे हैं जो कि टीम इंडिया को आसानी के साथ मुकाबला जिताएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, टीम इंडिया जीतेगा नहीं जीतेगा, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।